हाय दोस्तों, मैं नितेश सिंह, आपका अपना चैनल बीके सेलेक्ट करने में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आज के वीडियो में जानेंगे समझेंगे जो अंडरग्राउंड हाउस वायरिंग में जो GI मेटल बॉक्स का यूज किया जाता है, जो बोर्ड होता है उसका क्या नाम होता है, क्या साइज होता है, कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई होती है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आए। चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आपके सामने जो कि GI मेटल बॉक्स है, जो कि आपको हम सबसे पहले हम दो मंजिलर के बात करेंगे। तो देख सकते हैं इसके तरफ जो कि पाइप डालने के लिए दो दो होल का जो कर सकते हैं, और पीछे की तरफ एक इस तरह के टू मोटर का बॉक्स हुआ, ठीक है। और इस तरफ से भी दो दो है, ठीक है। और इसमें स्क्रू जो कि दो लगता है, जो देख सकते हैं इसको आप नीचे ऊपर कर सकते हैं। और इसकी लंबाई की बात करें तो देख सकते हैं आप इंची टैप्स की मदद से हम आपको बता रहे हैं, ये 3 इंची हो गया, ठीक है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये भी 3 इंची हो गया। तो यानी ये हो गया 3x3 का या GI मेटल टू मोटर बॉक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद बात आती है 3 मोटर की। तो 3 मोटर में आप देख सकते हैं ये 3 मोटर का बॉक्स हो गया, ठीक है। इसके ऊपर की तरफ देखिए दो पाइप डालने के लिए होल है, और इस साइड भी, और पीछे की तरफ एक है, ठीक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये लगभग आपका 4 इंची हो जाता है, ठीक। और इसकी चौड़ाई की बात करें तो 3 इंची हो गया। तो ये हो गया आपका 3x4 का GI मेटल बॉक्स 3 मोटर, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है 4 मॉडल की GI मेटल बॉक्स की। तो देख सकते हैं इस तरह से देखने में इसके ऊपर की तरफ 3 जो कि पाइप डालने के लिए जगह होता है, और इसमें आगे की तरफ 2 स्क्रू जो कि कसने के लिए होता है, देख सकते हैं इसको। और पीछे की तरफ 2 पाइप डालने के लिए जगह होती है, और आगे की तरफ 3 जो ऊपर की तरफ होती है। इसकी लंबाई की बात करें तो ये 5.5 इंची का हो गया, ठीक है। अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये हो जाता आपका 3 इंची। तो यानी ये हो गया आपका 3x5.5 का GI मेटल बॉक्स 4 मॉडलर। इसके बाद बात आती है 6 मॉडल की बॉक्स की। तो देख सकते हैं 6 मॉडल का बॉक्स है, आगे की तरफ 2 स्क्रू इसमें लगता है, ठीक है। और पीछे की तरफ पाइप डालने के लिए 3 जगह, और ऊपर की तरफ 4 जगह होता है, और साइड में 2 जगह होता है, ठीक है। इस तरह से 6 मॉडल होता है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो हम देखिए नाप का आपको बता रहे हैं, ये 8 इंची, माने तो 8 इंची 3x4 सूता होता है, ठीक है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 3 इंची होता है। तो ये 8x3 का हो गया GI 6 मॉडलर बॉक्स। इसके बाद बात आती है 8 मॉडलर की। तो देख सकते हैं आपको दिखा रहे हैं एक मॉडलर, देखिए यहाँ पर थोड़ा लिखा होगा, उल्टा साइड है, इसको हम सीधा करके दिखा रहे हैं। तो ये 8 मॉडलर का बॉक्स है, इसमें देख सकते हैं 4 स्क्रू होता है, 2 नीचे 2 ऊपर होता है, ठीक है। इसको अगर सीधा करने के लिए, अगर टेढ़ अगर इसको बैठा दिए तो सीधा करने के लिए आगे पीछे इसको कर सकते हैं स्क्रू को। ऊपर की तरफ इसमें 4 पाइप डालने के लिए जगह होता है, साइड की तरफ 2 होता है, ठीक है। और पीछे की तरफ 3 होता है। इसकी लेंथ की बात करें तो 9 इंची होता है, थोड़ा 1-2 सूता उतना मायने नहीं रखता, ठीक है। और इसकी चौड़ाई की बात करते हैं 3 इंची होती है। तो ये हो गया आपका 9x3 का GI मेटल बॉक्स 8 मॉडलर, ठीक है। इसके बाद बात आती है ये 12 मॉडलर की। तो ये 12 मॉडलर का बॉक्स है, जो देखने में देख सकते हैं इसमें 2 इस साइड से स्क्रू लगने की जगह है, 2 इस साइड से सीधा करके आप देखिए, पीछे की तरफ 3 पाइप डालने के लिए जगह होता है, और ऊपर की तरफ 4, और इस साइड से 3 होता है, और इसमें 4 स्क्रू जो कि लग सकता है, देख सकते हैं। इसे भी आप नीचे ऊपर करके इसके प्लेट को कस सकते हैं सीधा करके। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 8 इंची का होता है, ठीक है। अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 5 इंची कुछ सूता होता है, 5 इंची का होता है, ठीक है। तो यानी ये कहे तो ये हो गया आपका 5x8 का 12 मॉडलर GI मेटल बॉक्स। उसके बाद बात आती है 16 मॉडलर की। तो देख सकते इस तरह से 16 मॉडलर का बॉक्स होता है, जो कि पीछे की तरफ 3 पाइप डालने के लिए जगह होता है, और साइड की तरफ जो कि 3-3 होता है, ठीक है। और इसमें 4 स्क्रू इसमें भी लगती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो 9 इंची की होती है, ठीक है। और 1-2 सूता हम पहले ही बोल रहे हो, मायने नहीं रखती है, ठीक है। ये हो गया आपका 9 इंची। और ऊपर से इसकी चौड़ाई देखिए तो ये लगभग हो जाता है आपका 6 इंची। तो ये हो गया आपका 9x6 का 16 मॉडलर बॉक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद बात आती है ये जो कि देख सकते हैं 18 मॉडलर का बॉक्स है, GI मेटल बॉक्स। अगर इसको सीधा करने पर इस तरह से होता है, ठीक है। अगर इस तरह से देखें तो ये 18 मॉडल का बॉक्स है, जो कि सही दिख नहीं रहा है। तो ये देख सकते हैं इसमें छः स्क्रू जगह होती है, देखते हैं 3 इस तरफ 3 इस तरफ होता है, ठीक है। इसे भी आप इसको नीचे ऊपर करके इसके स्क्रू कस सकते हैं। ऊपर की तरफ पाइप डालने के लिए 4 जगह होता है, और साइड से भी 4 जगह, और पीछे की तरफ 2 जगह होता है। लंबाई की बात करें तो देख सकते हैं इस तरह से नापने पे ये हो जाता है 8 इंची, 8.5 इंची या 8 इंची से मान सकते हैं हम, ठीक है। और इस तरफ से नापने पर यह 8 इंची इस तरफ से भी होता है। तो ये 8x8 का हो गया 18 मॉडल GI मेटल बॉक्स। इस तरह से अंडरग्राउंड में जो कि बोर्ड GI मेटल बॉक्स लगता है, देख सकते हैं ये हो गया 18 मॉडलर, ये हो गया आपका 16 मॉडलर, ये 12 मॉडलर, ये 8 मॉडलर, ये 6 मॉडलर, ये 4 मॉडलर, ये 3 मॉडलर, ये 2 मॉडलर, इस तरह का जो कि बोर्ड होता है। और जो अलग अलग कंपनी का अलग अलग बोर्ड होता है, जो कि 1-2 सूता के आसपास लंबाई चौड़ाई होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।